परिवर्तन तो हमेशा होता आया है और ये प्रकृति का नियम है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि परिवर्तन से हमारा लाभ हुआ है या हम कहीं और दिशा भूल गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने ही दिशा ठीक रखने का जिम्मा लिया है। हमारे सारे कंपोज़र्स बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत होशियार हैं। बस इतना है कि मैंने सुना है कि उनको कहा जाता है कि इस तरह के गाने हमें दीजिए, तो मैं उन लोगों में हूँ जो इस शेर से आपको पता चल जाएगा कि ज़िंदगी तुझसे हर एक सांस में समझौता करें, ज़िंदगी तुझसे हर एक सांस में समझौता करें, शौक़ जीने का हमें है मगर इतना भी नहीं। तो समझौता करके काम करना ज़रूरी नहीं है। आप कन्विंस करना सीखिए, अपनी बात मनवाना जानिए, उसमें कोई तर्क हो और लोगों को हजम हो जाए। तो मैंने जब से ज्वाइन किया इंडस्ट्री को, तब से लेके आज तक ईश्वर की कृपा ये है कि मुड़के नहीं देखा पीछे। हाँ, पीछे मुड़के उन सुहानी यादों को ज़रूर देखा जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो या कलकत्ता हो। तो दोस्तों वो अलग बात है। थोड़ा मैं यही कहूँगा कि हमको अपना हेरिटेज, अपनी संस्कृति, उसको संभाल के ज़रूर रखना चाहिए। हम परिवर्तन चाहे जैसा कर ले, टेक्निकली हम सुपर हो गए हैं लेकिन आत्मा कहीं हमारी मिस हो रही है। दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, सबको प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी एक अपने आप को लक्की समझता हूँ कि हमेशा उन्होंने आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और यहाँ तक के सुपरहिट फिल्म विवाह में उन्होंने मुझसे 3 गाने गवाए और फिल्म भी सुपरहिट थी और म्यूज़िक भी लोगों ने बहुत पसंद किया। पुराने ज़माने की जैसे आपने बात छेड़ी, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये जो ऐसे लोग सदियों में, मतलब ये कहना चाहिए कि सदियों में एक बार आता है और इतनी विद्वता है इनमें कि इनके कण कण में, इनके रग रग में म्यूज़िक संगीत भरा पड़ा है। मतलब हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे ऐसे नोट उन लगा देते हैं कि हम सोचते हैं कि हम गा पाएंगे कि नहीं।